गुड मॉर्निंग विवेकियन, टुडे स्टार्ट स्क्रैच असाइनमेंट नंबर 3। फर्स्टली ओपन अ स्क्रैच विंडो, क्लिक ऑन अ स्क्रैच 1.4। दिस इज अ स्क्रैच विंडो। लास्ट हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ये स्प्राइट है, ये हमारा क्या है, स्टेज है, ये स्क्रिप्ट एरिया है और जो ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे सेट की जाती है, इस इन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या, ये किस एरिया पे होती है, स्क्रिप्ट एरिया पे। और ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस होती है ये क्या कहलाती है, स्क्रिप्ट कहलाती है। और ये स्क्रिप्ट हम किसको देते हैं, इस स्क्राइप्ट को देते हैं। ये स्प्राइट जो होता है उन स्क्रिप्ट को फॉलो करके एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। क्लियर। ये हमारे मेन्यू बार था, ये सेट लैंग्वेज, सेव, शेयर फाइल, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। ग्रीन फ्लैग जो था हमारा प्रोग्राम स्टार्ट के लिए है। राइट बटन हमारा स्टॉप के लिए। ये स्प्राइट है, ये स्टेज है, स्टेज को हम बैकड्रॉप भी बोल सकते हैं या हम बैकग्राउंड भी कह सकते हैं। आज हम बताएंगे कि ये आइकन किस चीज के हैं। ये जो आइकन है ये डुप्लीकेट का, यानी कि अगर हम यहाँ से कोई भी ऑप्शन अप्लाई करते हैं तो उसकी डुप्लीकेशन क्लिक करेंगे तो उसको डुप्लीकेट में अप्लाई कर देंगे। देखिए इसकी डुप्लीकेट होगी। अभी आती है डिलीट की, हमने यहां से किसी भी एक को डिलीट कर दिया। ये है श्रिंक, सॉरी ग्रो करने के लिए, स्प्राइट को बड़ा करने के लिए। इस पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इस आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो ये श्रिंक हो जाएगा। क्लियर। ये जो आइकन है हमारा, ये आइकन है स्टेज को स्मॉल करने के लिए, ये वाला आइकन है स्टेज को फुल करने के लिए, और ये जो है ये प्रेजेंटेशन मोड है हमारा। लाइक दिस, ये देखिए हमारा प्रेजेंटेशन मोड पे आ गया। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी बैक चले जाएंगे। क्लियर। अब आते हैं इस पोर्शन पे। इस पोर्शन में क्या है, स्प्राइट। ये जो स्टार है फर्स्ट पेंट है, यानी कि हम अपने स्प्राइट को पेंट कर सकते हैं। जैसे हमने सर्कल लिया, सर्कल ड्रॉ कर लिया, कलर चूज कर लिया हमने, अब ओके। दैट मींस ये वाला जो मेरा स्प्राइट है जो मैंने ड्रॉ किया था वो मैं यहाँ आ गया, यानी कि स्प्राइट नंबर 2। अब आ गया मेरे पास ये वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन में कि स्प्राइट को मैं चूज कर सकती हूँ, क्लिक किया, ये मेरे पास मोर ऑप्शंस आ गई स्प्राइट की। डबल क्लिक करके फैंटेसी क्लिक किया, इस पे कोई भी मैं एक स्प्राइट चूज कर लूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने रोबोट कर दिया, क्लिक ऑन ओके, तो मेरे पास एक थर्ड स्प्राइट ये वाला आ गया। क्लियर। उसके बाद अब हम आपको बताएंगे कॉस्ट्यूम्स कैसे यूज किया जाता है। मुझे स्प्राइट 3 भी नहीं चाहिए, इस पर राइट क्लिक करूंगी, डिलीट कर दूंगी। सेकंड स्प्राइट भी नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर दूंगी। आज मैं आपको सिर्फ ओनली वन स्प्राइट यूज करके प्रोग्राम क्रिएट करवाऊंगी। अब आता है कॉस्ट्यूम में। कॉस्ट्यूम में देखिए 2 कॉस्ट्यूम्स है हमारे पास इस कैट स्प्राइट के। फर्स्ट कॉस्ट्यूम में देखिए क्लिक है, वो इस पोजिशन में है। सेकेंड कॉस्ट्यूम पे क्लिक करूंगी तो वो इस पोजिशन पे आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉस्ट्यूम। क्लियर। अब देखिए मैं साउंड में क्या है, मेरे पास म्याऊ का साउंड है। मैं या तो उसको रिकॉर्ड कर सकती हूँ या उसको इम्पोर्ट कर सकती हूँ। क्लियर। अब देखिए स्प्राइट स्क्रिप्ट पे हम जाएंगे तो हम अपना प्रोग्राम को सेट कर सकते हैं। एक पोर्शन था कि हम यहाँ पे अपने स्प्राइट को ऐड कैसे करेंगे, वो मैंने आपको यहाँ इंपोर्ट करके बताया। एक है कि जब हम कॉस्ट्यूम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हम कोई भी स्प्राइट सिलेक्ट करेंगे और उसको ओके कर देंगे तो वो हमारा स्प्राइट यहाँ सेट हो जाएगा। क्लियर। देखिए अब मुझे ये चाहिए नहीं तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी। क्लियर। अब मैं कॉस्ट्यूम अप्लाई करवाते हैं। अब देखिए कॉस्ट्यूम कैसे अप्लाई होगा। फर्स्ट हमें कॉस्ट्यूम अप्लाई करने के लिए हम किस पे जाएंगे, अपना हमें एक ग्रीन फ्लैग चाहिए क्लिक करने के लिए। उसके बाद हमें हम लुक पे गए, लुक पे हमारी जो ऑप्शंस आती हैं वो आएगी कॉस्ट्यूम की। कॉस्ट्यूम आएगा स्विच टू कॉस्ट्यूम नंबर 2, क्योंकि कैट के 2 कॉस्ट्यूम थे, कॉस्ट्यूम 1 एंड कॉस्ट्यूम 2। अब ये कॉस्ट्यूम 2 है
मैंने ये अप्लाई कर दिया कॉस्ट्यूम वन। उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई करा अपना ट्रोल पे जाके वेट फॉर वन सेकेंड के लिए। अगेन मुझे कॉस्ट्यूम अप्लाई करवाना है, लुक पे गई कॉस्ट्यूम नंबर टू। अगेन अब देखिए, या तो मैं कंट्रोल पे जाके वेट सेट कर सकती हूँ, या मैं क्या कर सकती हूँ, इस वेट पे क्लिक करके इस पे राइट क्लिक करूंगी, यहां से डुप्लीकेट क्लिक कर दूंगी। अभी आ गया डुप्लीकेट, यहाँ कॉस्ट्यूम वन कॉस्ट्यूम टू, मैंने ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया तो मेरा ये रन कर गया। क्लियर? अब देखिए, अभी तो मैंने किया ग्रीन फ्लैग को। हाँ, आपको जरूरी नहीं है कि आपने ग्रीन फ्लैग ही यहाँ अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मैं ये ऑप्शन ले लेती हूँ, व्हेन स्पेस की प्रेस, अगर मैं स्पेस की प्रेस करूँ तो मेरे पास मेरा स्प्राइट वर्क करे। तो इस टाइम मैं स्पेस की अपने कीबोर्ड से प्रेस कर रही हूँ तो मेरा स्प्राइट मूव कर रहा है। अगर मैं ये स्पेस की के एरो पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये देखिए मोर देन ऑप्शन आते हैं। मैं यहाँ से अप एरो ले लेती हूँ या मैं डाउन एरो ले लेती हूँ। चलिए मैं डाउन एरो लेती हूँ, तो मैं अपने कीबोर्ड की डाउन एरो क्लिक करूंगी तो मेरा जो स्प्राइट है वो वर्क करेगा। क्लियर? अब इस स्प्राइट के कॉस्ट्यूम्स को हम थ्री वे से सेट कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। ये हमारा फर्स्ट प्रोसीजर था कि हम कॉस्ट्यूम को कैसे अप्लाई करते हैं इन फॉर अ वन स्प्राइट के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कॉस्ट्यूम्स को हम बाकी और किस वे से हम सेट कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। उसके लिए आपको बाकी वीडियोस को भी अच्छे से देखना पड़ेगा। क्लियर? तब तक आप अपनी इस कॉस्ट्यूम को फर्स्ट स्प्राइट पे कैसे अप्लाई किया जाता है और इसके फंक्शंस किस किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं वो देख रीड कीजिएगा, उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।